फाइनली संडे भी ह्यूमन स्कैनर का एक नया एपिसोड आ गया। यान बोलता है, भूल जाओ, अब मैं घर जा रहा हूँ। उसी समय यान की और एक बॉल आती है। वहाँ के लोग उसे बोलते हैं, वो नहीं, बॉल ग्राउंड के बाहर जा रहा है। यान अपने इन एंड यांग पेनिट्रेशन विजन से उस बॉल को अपनी ओर आते हुए देख लेता है। वहाँ पर खड़े लोगों में से एक आदमी यान को बोलता है, देखो तुम्हारे पीछे एक बॉल आ रहा है, हट जाओ वहाँ से। यान उस बॉल को पकड़ लेता है और बोलता है, चिंता मत करो, ये मुझे लगेगा नहीं। वो लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, वो उस बॉल को कैसे पकड़ लिया बिना सर घुमाए हुए। दूसरा आदमी बोलता है, बॉल उसके पास कितनी स्पीड से आ रहा था, लेकिन वो एक ही हाथ से उसे पकड़ लिया, ये बहुत ही औसम है। तीसरा आदमी यान को बोलता है, मुझे माफ़ करना दोस्त, क्या तुम उस बॉल को प्लीज़ वापस पास कर दो हमें। यान बोलता है, ठीक है, इसे पकड़ो, और उसकी ओर बॉल फेंक देता है और वो सीधा जाकर गोल हो जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, धत तेरी की, ये कैसे हो सकता है, ये बच्चा कोर्ट से पूरा ही दूर में है, लेकिन इस बॉल को वो गोल कैसे कर दिया। दूसरा आदमी बोलता है, तुम कुछ भी बोल रहे हो, ये इसका अच्छा लक है और कुछ नहीं। यहाँ तक कि यंग जुआंग जो एज है वर्सिटी टीम का, वो भी ये नहीं कर पाएगा। तीसरा आदमी बोलता है, लक इसका कुछ नहीं है, मैंने उसे देखा था, वो फेंकने से पहले निशाना लगाया था हुप में। दूसरा आदमी बोलता है, धत तेरी की, मैं तो भूल ही गया उसका नाम पूछने का, वो कितना अमेजिंग था। वो आदमी बोलता है, मुझे पता है वो कौन है, इसका नाम यहान है, मैंने उसे कल देखा था, वो सारी टेक्वांडो क्लब को अकेले ही हरा दिया था। तीसरा आदमी हंसते हुए बोलता है, यंग जुआंग हमेशा भाव खाता रहता है और हमेशा बोलता रहता है कि वो बास्केटबॉल का राजा है, वो भी फूडान में, मुझे बहुत अच्छा कंपटीशन मिल गया, मैं उसे बताने जाऊंगा इसके बारे में। फिर अगले दिन यान यूनियर के ऑफिस में जाता है उसे मिलने के लिए और नॉक करते हुए बोलता है, मैनेजर साहब, क्या आपके पास थोड़ा सा समय है। यूनियर गुस्से से बोलते है, नहीं मैं बिजी हूँ। फिर यान अंदर आ जाता है। यूनियर देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते है, यान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, टैंग मुझे बोला था कि तुम कॉलेज में हो। यान गेट बंद करके बोलता है, क्या तुम्हें सरप्राइज अच्छा नहीं लगता क्या। फिर यान उसका गाल पकड़ते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे मिस किया हो ना। फिर वो उसे गले लगा लेता है। यूनियर बोलती है, कौन तुम्हें मिस कर रहा है, तुम अगली बार भाग गए थे, मैं इतना डरावनी लगती हूँ क्या। यान बोलता है, मैं अपने क्यूट यूनियर से कैसे डर सकता हूँ। फिर यान उसे किस कर लेता है। उसी समय वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और बोलता है, यूनियर। यूनियर गुस्से से बोलती है, है तुम नौ करके नहीं आ सकते हो क्या। वो आदमी यान की और इशारा देते हुए बोलता है, यूनियर ये कौन है। यान बोलता है, मैं हूँ यहान, यूनियर का बॉयफ्रेंड। तुम फेंग फैमिली से हो ना, मैंने सही कहा ना, मैंने सुना है कि तुम यूनियर का कुछ दिनों से पीछा कर रहे हो। फिर वो आदमी बोलता है, यहान मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वो आदमी हो जिसके पास बहुत सारे लक हैं, इसके अलावा मैं यूनियर का पीछा नहीं कर रहा हूँ, वो अभी सिंगल है और मेरे पेरेंट्स पहले ही शादी के लिए बात कर चुके हैं जब हम लोग बच्चे थे, इसलिए मैं कभी भी इसका पीछा कर सकता हूँ। यूनियर यान को बोलती है, इसका कोई गलत मतलब मत निकालना यान, मेरा साथ इसका कोई भी रिश्ता नहीं है, मैं इसको कुछ दिनों से इंटरटेन कर रही हूँ मेरे फादर के कारण। यान बोलता है, चिंता मत करो, मुझे तुम पर विश्वास है। फिर यान उस आदमी को बोलता है, मैं यूनियर के पापा से बाद में बात कर लूँगा तुम दोनों की शादी के बारे में, लेकिन ये अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे यहाँ पर स्वागत नहीं है।